मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में शहडोल रेल मार्ग से जा रही कोयले से भरी रेलवे की मालगाड़ी के रक बोगी में अचानक आग लगने से तेज धुआं उठने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन मास्टर को खंड नियंत्रण अधिकारी बिलासपुर लखनलाल मीना के द्वारा दी गई, जिसके बाद आनन फानन में मालगाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पावर ब्लॉक के बाद रोका गया। साथ ही नगर पालिका परिषद पाली के फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, जिसके बाद यह ट्रेन आगे गंतव्य मार्ग की ओर रवाना की गई। इसी खबर की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिरसिंहपुर पाली से संवाददाता दीपू त्रिपाठी जी। जी सर, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया से शहडोल रेल रूट मार्ग पे आज दोपहर में ये जो मालगाड़ी जाती है कोयला लेकर के जहाँ परिवहन कर रही थी, उस गाड़ी में अचानक एक बोगी में आग लग गई थी। आग लगने की घटना जो रेल अधिकारियों को लगी थी, उनके द्वारा बिलासपुर से फोन के माध्यम से यहाँ पाली रेलवे स्टेशन प्रबंधक को दी गई थी, जहाँ ये रेल को यहाँ रोका गया था और हाथ से काबू पाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। वहीं नगर पालिका से अग्निशमन वाहन मंगाया गया था, जिसके माध्यम से ये आग बुझाई गई थी और आग बुझाने के बाद रेल को जो ये मालगाड़ी है ट्रेन को इसको गंतव्य मार्ग की ओर रवाना किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आग लगने की घटना है ये कब की है और कैसे लगी, ये जानकारी तो नहीं लग सकी है, लेकिन जब ये काफी धुआं उठने लगा था, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को भी लगी थी, लेकिन वो उसको बुझाने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि रेलवे का मामला था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि ये घटना कैसे हुई, ये तमाम अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन जैसे ही ये घटना की जानकारी लगी वैसे ही ये आग पे काबू पाया गया है। अगर इस आग को तत्काल न बुझाया गया हो तो ये बड़ी घटना हो सकती थी। जी जी सर, कारण अभी अज्ञात है और जनहानि की क्या जानकारी है? जी, इसमें चूंकि ये मामला जनहानि से नहीं जुड़ा हुआ है, चूंकि ये मामला है जो ये मालगाड़ी जाती है जिसमें कोयला परिवहन किया जाता है, तो उसमें ये बीच बोगी की घटना है, तो आसपास कोई ऐसे जनहानि की घटना नहीं है। जी जी सर, और क्या क्या कुछ कार्यवाही की गई है, किसी के खिलाफ कुछ क्या कार्यवाही की गई है अभी तक? देखिए, प्रथम दृष्टया ये आग लगने की घटना जैसे ही रेल के अधिकारियों को लगी थी तो उन्होंने सबसे पहले इंतजाम किया था कि आग पे काबू पाया जाए, तो उसके लिए अग्निशमन का वाहन मंगवाया गया था रेल के कर्मचारियों के द्वारा अथक प्रयास करके और आग पे काबू पाया गया था, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये बोगी में आग कैसे लगी है, तो अभी ये जांच का विषय है। इसके लिए रेल अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया था तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते, अगर आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, कार्यवाही संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात कीजिए। हमने उनसे लगातार संपर्क करने का प्रयास किया तो अब तक उनसे संपर्क नहीं हो सका, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो सके कि इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही हुई है। जी जी सर, सर धन्यवाद वॉइस ऑफ राइट्स के साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रत्यक्ष दर्शी प्रवीण तिवारी जी। सर, क्या देखा आपने? जी मैडम, आपको बताना चाहेंगे कि दोपहर की घटना है, जब ये ट्रेन उमरिया की ओर से आ रही थी जिसमें कोयला भरा हुआ था, मालगाड़ी थी जो कि रायपुर, ऐसा बताया जाता है कि रायपुर जाने वाला था, ये जो कोयला भरा हुआ था मालगाड़ी वहां पर जाती, वही देखा गया रास्ते पर जो कि आपस में जो है कि धुआं देखा गया कि गाड़ियों से धुआं निकल रही थी। इसके बाद बिलासपुर के द्वारा जो है कि स्टेशन मास्टर बिरसिंहपुर पाली को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी को रुकवाया। उसके बाद बिलासपुर से उन्होंने एटी कंट्रोल से जो है कि पावर ब्लॉक करने का आदेश लिया। उसके बाद उन्होंने जो है कि पाली नगर पालिका परिषद के फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाने में काबू पाए। जी सर, आग को बुझाने में लगभग कितना समय लगा था, क्या कोई हानि जनहानि जैसा कुछ मिला है आपको देखने को? ऐसी कोई हानि की, कोई हानि या कोई दुर्घटना की खबर नहीं है, ऐसी कोई क्षति नहीं है। और देखा जाए जो है कि बहुत अंदर धू धू कर जो है कि कोयला जल रहा था, पूरी तरह से धुआं निकल रहा था, जिसको देखते तुरंत जो है कि प्रशासन ने जो है कि तुरंत उस पर जो है नजर बनाई और उस पर जो है कि आग पर काबू पा लिया है। जी जी सर, धन्यवाद सर वॉइस ऑफ राइट के साथ जुड़ने के लिए। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।